अरे तू घर में आग लगी हो तेरी तो हम यहाँ क्या कर रहे धुआं धुआं शुक्र है भगवान तूने ये मौका दिया साले भगवान ने मौका नहीं दिया मैं नहीं देखता तो मौका नहीं मिलता अच्छा अबे छोड़ ना अब हम जाएंगे और जाके मेरी उसे बचाएंगे और उसके आंखों में तारा बनेंगे अच्छा अच्छा ए चल 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 आजा चल 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 अबे इतनी शांति क्यों है चिलम चिली भी नहीं हो रही है अरे साले हो सकता है जागे नहीं हो यार जम घुट गया हो अरे तुम लोग बातें मत करो पाइप से पानी तो उतारो पानी उतारो पानी उतारो अरे तू यहाँ क्या कर रहा है तू जाके कुएं में कूद कुएं से जाके पानी लेके जा 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 छोड़ो जल जाएगी अंदर साले मकान में जा हट पूजा पूजा जल्दी थोड़ी जल्दी कर बहुत बड़ी आग लगी है तो तू भी अंदर घुसा अबे साले बीच में क्यों आते हैं अबे इधर आग लगी है तुम लोग बाइक से खेल रहे हो अबे सैम कहाँ गया अबे अबे साला अंदर जाके उसके सामने टिमटी मारा होगा दगाबाज साला मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर साला छाती फुला फुला के डिंगे मारा होगा अकेला सत्यानाश कर दिया हवन का राम के पिल्ले तू है कौन अरे आप बात क्या क्या कर रहा है गोटी गोटी मार तू वहां पे जा तू वहां तू इस तरफ एक्सक्यूज मी यस ये वीसीडी किसके नाम पर दी गई थी आप बता पाएंगे हाँ बिल्कुल राहुल त्रिपाठी आप ये मेंबरशिप बंद कर दीजिए कुछ पेमेंट बाकी हो तो बताइए आप राहुल को जानते थे या फिर उसके किसी दोस्त को नहीं स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन थे यहाँ एक बॉक्सिंग क्लब है स्टर्लिंग क्लब शायद वहाँ आपको जानकारी मिले उनकी वहाँ का दोस्त भी कोई मिल जाएगा आपको अच्छा थैंक यू मगर आप मैं राहुल की छोटी बहन ऋतु त्रिपाठी जी क्या इधर आ क्या हुआ दिखी तुझे क्या हुआ साला दुनिया की सारी माल लड़कियों के भाई लुंगी में घूम रहे एक इसी के भाई को बॉक्सिंग चैंपियन होना था चलता है यार देख थोड़ा खतरा तो उठाना पड़ेगा ना तू चुप हाँ बोल क्या बोलियो आधे घंटे से घूम रहे हैं बताना क्या हुआ बात क्या हुई बताना उसने काउंटर पे अपना नाम बोला बोलना नाम क्या उसका बोलना ऋतु वाह क्या बात ऋतु पंकज तिवारी क्या जबरदस्त मैच है जबरदस्ती का मैच है हैं बात तो इसमें ऋतु गौतम सिसोडिया कैसा लगा छी सब बकवास है सिसकिया विस्किया सब गंदा है ये देखना ऋतु समीर आर्या ऐसा लगता है जैसे दो अधूरे नाम जोड़कर एक पूरा बना है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली ये कैसा लगता है ऋतु मार्तन ढमढेरे क्या रे ढमढेरे ऐसा लगता है ड्रम में बंदर कूद रहे ए देख ऋतु की गाड़ी में कोई कांडी कर रहा है चल हवा बनाते चल वो तो रेडीमेड होती है अरे ऋतु के दिल में अपनी हवा बनाते चल हाँ, हाँ, हाँ।
चलता है। क्या कर रहा है बे साले हाँ? क्या है क्या है? हवा निकालने का बहुत शौक है, हम लोग मुझे जानते नहीं हो हाँ? साले तो मक्कारी ऊपर से दादागिरी तेरी तो मारता क्यों है? मारता क्यों है? ले साले को मारो साले को। क्या कर रहा है? मार क्यों रहे हो? सही कह रहे सही कह रहे, अभी मत मारो अभी मत मारो, ऋतु को आने दो फिर मारेंगे। उसको भी तो पता चले हम लोग उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ सही बात है ना। तू जा के देख आ रही है कि नहीं। देखो ये आ रही है, मारना शुरू कर। शुरू करो शुरू करो शुरू करो शुरू करो जमा देंगे ऋतु के साथ। मारो निकाल हवा, चल चल हवा भरा इससे। साले खूबसूरत लड़कियों की हवा निकालता है। मारो साले खूबसूरत लड़कियों की हवा निकालता है। कहानी और ये नहीं गोटी कल्टी मार। आ गया बूढ़ा आ गया, अब मैं जाता हूँ और झंडे गाड़ के आता हूँ। एक मिनट ब्रेक मार। तू क्या गुल खिलाने वाला है मैं पहले ही बता दे। हाँ पहले मैं वहाँ जाऊँगा फिर, और फिर जानबूझकर हल्के से बूढ़े से टकराऊंगा और फिर मैं पलट के देखूंगा। अरे आप राहुल के दादाजी तो नहीं है? इस पैतरे से अगर बूढ़ा नहीं गिरा तो मेरी कदकाठी और कम कर देना। अब इससे ज्यादा क्या कम होगा। और तू संभाला, ऋतु के मामले में अपनी बड़ी पनवती लगी है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे सारे आइडिया घटिया थे। अरे कचरे में कमल थोड़ी खिलेगा, देखते जाओ कैसे विकेट गिरा कर आता हूँ मैं। अरे देख देख आ गए आ गए, जल्दी जा। हां कहां से जाएगा? अबे अंधे हो, दिखाई नहीं देता? जी मैं अभी उठा देता हूँ, अभी उठा देता हूँ। क्या ये सब मेरी बात सुनो। देखो मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छोड़ने की? अबे भागो भालू को निकालो जल्दी। मजा आ रहा है ना? पीट अपने ढोल और पीट फट गया ना? हाँ क्यों ना चढ़े, उछल उछल कर डिंगे मार रहा था ना, अब भुगत। साला इसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसे छोड़ दो। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा वैसा हो गया ना अभी। निकाल निकाल। अरे बूढ़े के साथ दोस्ती करना बच्चों का खेल है क्या? अरे क्या तुम लोग, उसने अपना जो खून बहाया उसमें तुम लोग पानी दे रहे हो। तू फिक्र मत कर, तेरा खून जरूर रंग लाएगा। खून भरी मांग ये शगुन है वो तेरी होने वाली है। तब तो दो चार टुकड़ा और घुसेड़ दो पेट में, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। हाय रे। देख तुझे मिर्ची ने अंधा किया। हाँ हाँ। तुझे आग ने जलाया और तुझे कांच ने फोड़ा। सही है भाई, मतलब तीन टपके। अब एक ही रास्ता है। क्या क्या मुझे लगता है क्या बता भाई बता, मुझे लगता है कि हाँ। अबे क्या लगता है? तुम लोग उसे भूल जाओ। क्या? हाँ अच्छा अबे दादाजी। अरे हे भगवान ये क्या हुआ? आप ठीक तो हैं दादाजी? ये कैसे हुआ? अरे एक लड़के ने जानबूझकर मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं सड़क पर केले के छिलके की तरह लेट गया। पूरी टोली थी रामी के साथ, मुझे अंडा समझकर फेंट रहे थे। कौन थे वो लोग? और कौन होंगे, उन्हीं चंडालों में से होंगे। जब मैं कह रही थी तो सपना कह के चिढ़ा रहे थे, अब खुद की नाक जली तो यकीन हुआ ना? मैं कहती हूँ अभी के अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए। चाहेला एक काम कीजिए, आप अंदर चलिए, जरा आराम से बैठिए और मेरे को उस लड़के का हुलिया बताइए। लड़के का हुलिया? लड़का नहीं खच्चर था, खच्चर। एक गिलास पानी लाओ। अभी लाइए। चेहरा ऐसा भीषण कि जिंदगी तो क्या नींद में भी कभी नहीं देखा। और कद उसका चेहरा देखना हो तो नाटे को भी नीचे झुकना पड़े। मगरमच्छ जैसी आंखें, गोंद से चिपचिपे बाल, नाक था के पिचका हुआ टमाटर याद नहीं, लेकिन होंठ उधेड़ कर जब दांत बाहर निकालता है तो बेवकूफ से बेवकूफ गधा भी सियाना लगे। क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ताजुब की बात है चायला, मुझे भी कब से ऐसे ही एक आदमी की तलाश है।
मैं चारों तरफ उसकी खोज शुरू कर देता हूँ। पकड़ में आया ना तो मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप जरा चौकन्ने रहिए। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आप मेरी कुछ हेल्प करेंगे? हाँ जी कहिए। ये एयरटेल का डिस्कनेक्टेड नंबर है किसी सोफी का, आपके ऑफिस से उनका पता मिल जाता तो। आई एम वेरी सॉरी मैडम, ग्राहकों की निजी जानकारी हम किसी भी हालत में नहीं दे सकते, ये कंपनी के उसूलों के खिलाफ है। आई अंडरस्टैंड, पर मुझे आपसे थोड़ी ज़रूरी बात करनी है, आप प्लीज बाहर आएंगे? चलिए। चलो वापस चलो। किधर, क्या हुआ? अरे उसका कोई है, अगर उसकी खिचड़ी पक गई तो अपना दाना जल गया समझो ना। मुझे कैसे पता? देख नहीं रहे कैसी गुटुरमु चल रही है? देखो देखो कैसे हाथ में सरसा के बात कर रही है। चलो। जा साली तू जा, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है। हाँ बे, दो दिन पहले तो शहर आई है, फिर दो दिन में मजनू कहाँ से उगेगा? वही तो। चल ना मटकी फोड़ डालते हैं, अंदर पत्थर है कि सोना पता तो चलेगा। मेरी बहन को देख पानी टपक रहा था मुंह से। हाँ क्या हो रहा था उसके साथ? कौन बहन? ओ तो लौंडा माँ बहन भी नहीं जानता तू क्या? एक मिनट बॉस, देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। मैं समझा देता हूँ ये कौन है, जिस लड़की के सामने तूने मिठाई की दुकान खोली ये उसका भाई है। भाई? वो जो मर चुका है वो भाई? कौन मरा कब? उसका भाई। देखिए कौन मरा कैसे मरा मुझे नहीं पता, लड़की ने कहा है कि भाई ने खुदकुशी की है, तो तुम लोग कौन हो? मैं भी भाई हूँ लेकिन जिंदा, और मैं उसका होने वाला पति। हम लोग बाद में तय करेंगे। ये कील तू दिमाग में गाड़ ले, मेरी बहन का पीछा छोड़ दे। ओ हेलो, मैं तुम्हारी बहन के पीछे नहीं पड़ा था। हा? वो खुद गिड़गिड़ाती आई थी मेरे पीछे, अपने भाई के दोस्तों के बारे में पूछ रही थी और किसी सोफी के डिटेल भी चाहिए थे उसे। और क्या पूछ रही थी वो? तेरी बहन है, तू उससे जाके पूछ रहा? मेरी छाती पे क्यों नाच रहा है? अब समझ में आया चीटी की कतार कहाँ जा रही है। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? लड़की को गुजरे हुए भाई के दोस्तों के बारे में जानकारी निकालनी है। हाँ तो? तो चलो हम भी कतार की तरफ निकल पड़ते हैं। ये कतार सऊदी में है, तेरे पास पासपोर्ट है क्या? इसकी वन वे टिकट कराओ, कभी वापस ना आए साला कतार। मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है।